नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज हम गुड़गांव में आए और यहाँ पे देखेंगे कि लोग आखिर अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर स्टार्ट हो गई है, जिसमें बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है। तो इस दौरान लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोरोना के बाद कितने लोग उनके पास खाने के लिए आ रहे हैं, हम कितने लोगों को परेशानी हो रही, बढ़ती महंगाई के कारण किचन पर कितना लोगों का असर पड़ रहा है, इन सारी जानकारी के लिए हम लोगों के पास चल के खुद बात करेंगे कि आखिर बढ़ते पेट्रोल के दाम के कारण क्यों उनके जीवन पे इतना असर पड़ रहा है और कोरोना के बाद उनका ज़िंदगी कैसे चल रहा है। इन सारी बातों की जानकारी हम खुद लोगों से चल के लेंगे। कोरोना के दूसरी लहर के बाद लोगों को क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, इन सारे सवालों के जवाब हम खुद लोगों के पास ही चल के ले रहे हैं। बताइए, क्या असर पड़ रहा है आपके कामों पे, लोग क्या बोल रहे हैं आपको? अरे ये सरकार ने महंगाई क्या इतना महंगाई हर चीज़ पे बढ़ा दी, बोलते महंगाई नहीं रोकेंगे। दूसरी बात, चालान पहले 100 रुपये का था कांग्रेस सरकार में, अब चालान हो गया 500 रुपये का, कमाई है नहीं 100 रुपये की भी। जहाँ 1500 काम होता था 2000 काम करते थे, वहाँ 500 काम है और चालान 500 रुपये का, कम से कम 500 रुपये का चालान हो गया और पहले 100 रुपये का था। तो कांग्रेस थी ना पहले, ना 100 का था, कम से कम गलती करने पर 100 का था, अब चालान 500 रुपये का है। और शासन में नहीं था, इसी शासन में हुआ है। पेट्रोल के रेट कितने होने चाहिए? जितना जो सरकार बैट ले रही है उसको कम करना चाहिए, कम से कम 50 और 60 के समथिंग होना चाहिए, 50-60, डीजल 40 होना चाहिए। और कांग्रेस के राज में कितना था? सही था, कांग्रेस राज में सही था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। महंगाई, ये लोग कहते थे कि हम महंगाई रोकेंगे, महंगाई रोकी कहाँ, महंगाई तो आसमान छुआ दी। ऑयल देखो, जो ऑयल 100, 125 जो आता था वो आज 200 रुपये का है, 180 का। पेट्रोल जो 100 रुपये का हो रहा है, शतक लगाने लग रहा है, कोई गर्व महसूस हो रहा है किसी को? भाई सरकार कह रही है कि गर्व महसूस करो और भाई पेट्रोल भरवाते रहो, देश को आगे योगदान दो, तो गर्व महसूस हो रहा है क्या? गर्व महसूस नहीं। गर्व किस बात का है? गर्व नहीं है, लेकिन ये है, महसूस आपको गर्व है कि कितने इतना पैसा क्यों बढ़ाया? ये मंत्री जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आप गर्व महसूस करो और आगे आप महंगा पेट्रोल लोगे तो देश आगे मजबूत होगा, तो ये सही बात है गलत बात है? गलत है, देश डूब रहा है। गरीब आदमी तो चला ही नहीं पाएगा, कहाँ ले जाएगा 100 रुपये का, जाए ना वो पैदल जाएगा या फिर कोई 10 वाला देखेगा। तो मेरे साथ अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, जानेंगे उनसे। तो भाई साहब आइए एक बारी, ये 100 रुपये का पेट्रोल आप डलवा रहे हो, पेट्रोल डलवा रहे हो या अभी साइकिल से शुरू कर दिया? नहीं, पेट्रोल तो डलवा रहे हैं। तो उसमें गर्व महसूस हो रहा है? इतना महंगाई है, काम तो है नहीं कोरोना के बाद। नहीं, कह रहे हैं गवर्नमेंट से कुछ अधिकारी कह रहे हैं, मंत्रीगण कह रहे हैं कि भाई गर्व महसूस हो करना चाहिए, क्योंकि गर्व महसूस यूं करें क्योंकि आप अगर महंगा पेट्रोल ले रहे हो तो देश की तरक्की में योगदान दे रहे हो, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, तरक्की अगर कह रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अभी फिलहाल तो कुछ क्राइसिस तो चल रहे हैं, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, तो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट लग नहीं रही फिलहाल। तो पेट्रोल के प्राइस कितने होने चाहिए, कम हो या और आगे बढ़े? बढ़ गए तो फिर इनकम भी तो, सोर्स ऑफ इनकम ही तो बढ़ना चाहिए। अगर पेट्रोल बढ़ रहे हैं तो सेम सैलरीज भी हाइक होनी चाहिए, अगर सैलरीज नहीं हो रही तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज डेली। और ये आप जो थर्ड लेयर की बात करी जा रही है, कोरोना की थर्ड वेव आएगी तो उसके लेके जो तैयारियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से या वैक्सीन लगवाने को लेके, उसके ऊपर क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी, क्योंकि अब वैक्सीन आप गुड़गांव में बात करें तो 2 दिन से वैक्सीन सेंटर बंद है। तो ये और ये बता रहे हैं जो नेशनल मीडिया के ऊपर इस तरीके से बताया जाता है कि भाई वैक्सीन लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी और सरकार की तरफ से, तो आपको वैक्सीन लग गई है नहीं लगी? पहले वैक्सीन तो लग गई है, दोनों डोज लग गई है। अच्छा, दोनों डोज लगवा लिए आपने, चलो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, दोनों डोज लग गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दोनों डोज नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत अगर सरकार पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है तो ऑन अदर हैंड लोगों का भी तो सोचे वैक्सीन ऑन टाइम मिले, कि लोगों को भी लगे कि हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा, अगर यही प्रॉब्लम है। नहीं, बिल्कुल जैसे कि बताने लग रहे, पेट्रोल के ऊपर सभी लोगों का रोष है, सब लोग चाह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम करे जाएं, हालांकि हमारे मंत्रीगण जो हैं वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि भैया पेट्रोल महंगा लो और गर्व महसूस करो, पर मुझे तो यहाँ कोई ऐसा गर्व महसूस करने वाला दिखाई नहीं दिया कि वो भाई गर्व महसूस करे। तो लगता है कि पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए और खाने पीने की महंगाई जो भी बढ़ती जा रही है उसको भी सरकार को तुरंत सोचना चाहिए कि उसको कम किया जाए। कुछ और, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, आज इनको कह दो अपने स्टॉल में 20-20 रुपये बढ़ा दे, अभी ये सारे हट जाएंगे जो खा रहे हैं ना, सब हट जाएंगे, चल जाए भी लड़के, बढ़ा दे 20-20 रुपये जैसे बताया जा रहा है। हाँ जी, 20-20 रुपये महंगा ले लोगे? नहीं जी, नहीं लेंगे हम। अच्छा, तो भाई साहब के हाथ में गाड़ी की चाबी दिखाई दे रही है, तो इनसे पूछते हैं पेट्रोल कब भरवाया था लास्ट? जी कल ही भरवाया भाई साहब, कल ही भरवाया। तो जो महंगे रेट हो रहे हैं तो उसके लिए गर्व महसूस कर रहे हो? नहीं नहीं भाई साहब, कोई गर्व महसूस नहीं है, महंगे तेल में कौन गर्व महसूस करेगा। अच्छा,
तो कम होने चाहिए। तो ये कम क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे भाई पहले लगातार जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 रुपए का प्रति बैरल हो गया था, उसके बावजूद भी कम हो गया था, और अब ये कह रहे हैं कि हम देश की तरक्की कर रहे हैं इसलिए कम नहीं हो रहा है। तो ये क्यों कम नहीं हो रहा, क्या रीजन? हमारी सरकार की नाकामी है सर, और कुछ नहीं है। अच्छा। ये हमारी सरकार की नाकामी है। जब 2013 में 100 रुपए प्रति बैरल था, जैसा कि आपने बताया, उस टाइम पे पेट्रोल कितना था? 66 रुपए पर लीटर था। ठीक, आज के टाइम में 100 पार हो गया है। तो सर गवर्नमेंट की नाकामी और कुछ नहीं है। उसी के चलते पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उसके चलते हमारे जैसे डेली रोजमर्रा की चीज़ें, सरसों का तेल हो गया, चाहे सब्जी। गवर्नमेंट को और अन्य चीज़ों में भी तो भाई पैसा खर्च होता है उनका, डिफेंस में, स्कूल में। तो वो कहते हैं कि भाई आप हमारे तो पेट्रोल से, डीजल से, इनसे इनकम है, तो हम तो बढ़ाएंगे। सर पहले नहीं होता था क्या? पहले भी तो गवर्नमेंट का खर्चा होता था, हर चीज़ में होता था, कैसे नहीं होता था? लेकिन ये है कि आज जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई जो बढ़ रही है, वो एक रियली में सरकार की नाकामी है। तो ये लगातार अपने ग्राउंड पे आके हमने लोगों से राय लिया, आप देख रहे हो, और भी लोगों से मिलवाएंगे, बता रहे हैं कि किसी को तो गर्व महसूस नहीं हो रहा है, तो सरकार को भी इसकी सुध लेनी चाहिए और तुरंत पेट्रोल डीजल और महंगाई पे काबू लाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि जनता की राय देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये ऐसा प्रॉब्लम आगे चलती रही तो दिक्कत होगी, और सरकार को आगे अगर इलेक्शन आए तो कुछ ना कुछ मुसीबत से सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद। कोरोना के बाद बढ़ती महंगाई पे आपका क्या राय? मैम महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, महंगाई कम होनी चाहिए, इसलिए सरकार से यही राय है कि महंगाई कम करें। अच्छा, महंगाई कम करें, तो किस तरह की महंगाई कम होनी चाहिए? जैसे डीजल में महंगाई कर रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, इसलिए गरीब आदमी कहाँ काम कर पाएगा, वो तो और पीड़ित हो रहा है एक तरीके से। उसके पास पैसे नहीं है ना खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? खाने पीने में सारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई पे आपको क्या महसूस हो रहा है? मैम महंगाई तो कम होनी चाहिए एक बार, सरकार तो बहुत ही खराब हो रही है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या करे कि जिससे आपकी रोजी रोटी फिर से पहले जैसे चलने लगे? मैम सरकार को करना चाहिए ये, महंगाई कम करनी चाहिए एक बार। महंगाई कम कर देंगे तो आदमी अपना काम अच्छे से करेगा। क्या इनकम होती थी पहले और अब क्या हो रही है? मैम पहले तो 3 या 4 हज़ार रुपये होती थी, कोरोना के महामारी में कम होने लगी, कोरोना के मारे आदमी छुआछूत ज़्यादा मानने लगा है, इसलिए कोरोना तो ऐसे ही अफवाहें फैला रहे हैं। आपने कोरोना का वैक्सीन लिया है या नहीं लिया? मैम हमने तो नहीं लिया। अच्छा, तो आप कोरोना की वैक्सीन आपको मिल नहीं पा रही है या फिर लेने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? मैम पहले तो 4-5 लोगों को मरते हुए देखते हुए हमने सोचा कि ये तो खराब चीज़ है, हमने नहीं ली। ये थी जनता की राय, जैसे कि हम सब ने आपको दिखाया कि जनता क्या सोच रही है बढ़ती हुई महंगाई के कारण। तो इस पे आपके क्या कमेंट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी न्यूज़ साझा करने के लिए नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर ज़रूर शेयर करें, और बढ़ती हुई महंगाई का आगे भी हम आपको ऐसे ही रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।